1962 के बाद में चाइना के लिए अगर सबसे बुरा सपना है तो उस सपने का नाम सीडीएस रावत है। इनकी इसी काबिलियत की वजह से मोदी ने खास तौर से इनको सीडीएस पद के लिए चुना था। आप सोच सकते हैं चाइना के आधिकारिक अखबारों के अंदर सीडीएस रावत के बारे में टिप्पणियां की जाती हैं, जैसा कि आमतौर पर नहीं होता। सेना में ज्वाइन करने के बाद 1987 के अंदर समड्रोंगचू के अंदर एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है जिसके अंदर बिपिन रावत भी मौजूद होते हैं। 1962 के अंदर चाइना ने किस प्रकार से भारत की जमीन के ऊपर कब्जा किया था, यहां लीडरशिप सोती रही थी, सबको पता है। 1987 के अंदर एक स्टैंड ऑफ होता है और पहली बार चाइना को बहुत ही मुंहतोड़ जवाब मिलता है। जिस प्रकार की स्ट्रेटजी गलवान के अंदर देखने को मिली है, इसी का एक रूप 1987 के अंदर भी देखने को मिला था। जब चाइना ने 20,000 सोल्जर्स आगे लेकर आए तो भारत की तरफ से भी 20,000 सोल्जर्स पहुंच गए थे। उस समय की बात अलग थी, हालात अलग थे। भारत की जो लीडरशिप थी एक ऐसे आदमी के पास थी जो पॉलिटिशियन नहीं था, केवल अपनी मां का बेटा था, इसी वजह से उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। यहां पर आर्मी ने बहुत अच्छा कंट्रोल तो किया था, मगर लीडरशिप ने डिसाइड किया, अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा चाइना के अंदर कि तुम जाओ और उनको बोलो कि हमारा झगड़ा करने का इरादा नहीं है, जबकि चाइना की तरफ से ही एग्रेशन हो रहा था। अब 1987 के अंदर जो स्टैंड ऑफ था वो भारत के पक्ष में नहीं गया क्योंकि पॉलिटिक्स ने उसको पीछे खींच लिया, मगर उसके बाद में डोकलाम होता है और उसके बाद में हो जाता है गलवान। और इन दोनों ही घटनाओं में सीडीएस रावत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही के अंदर लीडरशिप ऐसी थी जो बोल रही थी पीछे नहीं हटना है और ये भी यही चाहते थे। चाइना ये देख रहा था कि 1962 के अंदर कितनी आसानी से हमने कितना सारा लैंड को कब्जा कर लिया था और भारत के अंदर कोई कुछ बोला भी नहीं था, मगर अब ये क्या हो रहा है उसके साथ। डोकलाम के अंदर चाइना को सबसे पहली बार पता पड़ा कि नए किस्म का इंडिया है और ये बिल्कुल अलग है पहले के मुकाबले। और तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए अपने ऑफिशियल मुखपत्र के अंदर उन्होंने बोला कि इस क्राइसिस से अब बाहर निकलना चाहिए, अब बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है चाइना को। चाइना की इमेज खराब हो रही थी। जो छोटे देश कल तक चाइना से डरते थे वो सोचते थे कि अब चाइना के सामने इंडिया जैसी एक शक्ति खड़ी है और वो इंडिया की तरफ से आकर्षित भी हो रहे थे। चाइना चाहता था भारत से हाथ मिलाकर किसी भी तरीके से इस बुरे सपने से निजात पाई जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं सीडीएस रावत की वजह से। इसके साथ ही सीडीएस रावत ने चाइना पाकिस्तान की मिलीभगत को पहली बार बड़े लेवल के ऊपर एक्सपोज कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जहां पर वो आंदोलन करा रहे हैं, कई और चीजें करा रहे हैं। इसको वो बोलते थे 2.5 फ्रंट वॉर। दशकों से भारत को कंट्रोल करने के लिए चाइना अलग अलग सोर्सेज से पैसा भेजता था, कई सारे एनजीओ, कई सारी सोसाइटीज होती थी जो कि यहीं पर अड़ंगा लगाती थी। जनरल बिपिन रावत ने सबसे पहले इस बात को एड्रेस किया और उन्होंने ये बोला कि ये दो दुश्मन नहीं है, आधा दुश्मन भारत के अंदर भी है। इसको 2.5 फ्रंट थ्योरी कही जाती है। चाइना इस चीज को देखकर बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था क्योंकि नए FCRA के रूल्स भी आ रहे थे जो बाहर से आने वाले पैसे के ऊपर कंट्रोल रख रहे थे और इसके अंदर वो ये मानता था कि सीडीएस रावत का बहुत बड़ा रोल है। नवंबर 2021 के अंदर चाइना एक और रिपोर्ट लिखता है, बिल्कुल हाल ही की रिपोर्ट है जो कि बिपिन रावत को सेंटर में रख के लिखी गई थी। हुआ यह था कि चाइना ने जिस प्रकार से एक बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था 1962 के अंदर, वो स्थिति आगे तक फैलाना चाह रहा था, मगर इंडिया की तरफ से एग्रेशन आ रहा था। चाइना की यह स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है कि हमें कोई दुश्मन ना माने ताकि वो हमारे खिलाफ किसी प्रकार की तैयारी ना करे। बहुत सारी जमीन कब्जाने के बाद भी चाइना के प्रति इंडिया के अंदर कोई बड़ा माहौल नहीं था और चाइना की यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि सारा का सारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ मोड़ दो। जनरल बिपिन रावत ने छाती ठोक के बोला कि सीधी सी बात है, चाइना हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है और इसको सबसे पहले हमें एड्रेस करना पड़ेगा। चाइना के होश उड़ गए, उसकी हालत खराब हो गई। वो चाहता था कि चुपचाप हमारे तरफ किसी का ध्यान नहीं रहे, हम अंदर घुस जाएंगे, मीडिया को खरीद लेंगे और 1962 की तरीके से एक और कारनामा कर लेंगे, मगर यहां पर बात सीधे तौर पर बिपिन रावत ने उनकी तरफ मोड़ दी थी। जनरल रावत के स्टेटमेंट से चाइना बहुत नाराज हुआ, वो ये मानता ही नहीं कि वो किसी तरीके का थ्रेट है जबकि उसने इतनी जमीन कब्जा रखी है। और रावत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना और जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, इस बार चाइना ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसका बढ़िया तौर से सबक सिखाया जाएगा। चाइना इस बात का बुरी तरीके से ऑब्जेक्शन करता है, वो कहता है कि यह बात बिल्कुल गलत है कि हम किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है, हालांकि हम जमीन कब्जाते हैं, 36,000 किलोमीटर हम ऑलरेडी कब्जा चुके हैं, मगर फिर भी हम अपने आप को थ्रेट नहीं मानते इंडिया की तरफ से। कम्युनिस्ट चाइना ने कोई बड़ा वॉर नहीं लड़ा, जो वॉर उन्होंने लड़ा था अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ा था और अपने ही लोगों की पीठ के अंदर छुरा घोपा था, केवल उनको यही आता है। और यहां पर अगर मामला आमने सामने का हो जाता है तो चाइना की हालत खराब हो जाती है। चाइना केवल यह मानता है और यह चाहता है कि हमें किसी प्रकार का थ्रेट नहीं देखा जाए ताकि चुपचाप हम अपना काम हाथ साफ करके निकल लें। चाइना के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट हाल ही के अंदर बिपिन रावत की तरफ से आया था और उन्होंने इस बात को लिखा भी था। अपने मुखपत्र के अंदर चाइना ने क्या लिखा है बिपिन
रावत के बारे में, और दो ही दिन पहले ये बात सच प्रूव हो गई है। सबूत देखिए, बिपिन रावत ने कहा कि भारत को केवल यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रशिया भी चाहिए अगर हमें चाइना का थ्रेट को काउंटर करना है। और पूरा विश्व जानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया एक मुद्दे के ऊपर एक राय नहीं रख सकते, ये तकरीबन असंभव है। और चाइना भी इस बात को असंभव मानता है, वो माने बैठा था कि यूएस के पास इंडिया जाएगा तो रशिया हमारे पास आएगा, इंडिया के खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे। मगर हुआ क्या, चाइना ये खुशी मनाए बैठा था, बहुत ही ज्यादा खुश था इस बात को लेकर कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है रशिया को इंडिया के साथ में आना। बिपिन रावत चाहे कुछ ही कहते रहे मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता, मगर मोदी के साथ में ऐसा हो गया, चाइना इसको लेकर बहुत रोया। अपने आंसुओं को बहाते हुए चाइना लिखता है कि पुतिन मोदी के पास में आ गया और ये मोदी पुतिन की डील हो गई, नहीं तो भारत कभी रशिया के साथ डील कर ही नहीं सकता था, जो नामुमकिन था वो हो गया। और साथ ही में इस बात को लेकर भी रोया कि इससे चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो खराब नहीं होंगे, चाइना रशिया के साथ है, रशिया चाइना के साथ ही रहेगा। ये बहुत ही असंभव सा मामला था जो कि हाल ही के अंदर हुआ है कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के दोनों भारत के साथ हैं, चाइना इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और ये रिक्वायरमेंट किसने दी थी, ये रिक्वायरमेंट दी थी सीडीएस रावत ने, जो तकरीबन नामुमकिन रिक्वायरमेंट थी, मगर फिर भी मोदी की प्रेजेंस की वजह से ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई, चाइना के होश खराब हुए। रशिया के साथ में रिलेशंस अच्छे हुए हैं उसका सबूत चाइना खुद देता है कि देखिए रशिया पास में चले गया कोई बात नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इंडिया के रिलेशंस अब खराब हो जाएंगे। और चाइना का ये स्टेटमेंट सुनकर कोई भी ये कहेगा कि चाइना हालांकि भारत को कह रहा है कि लूजर मेंटेलिटी है, मगर ये स्टेटमेंट दिखाता है कि चाइना कितना बड़ा लूजर बन चुका है आज की तारीख में। चाइना के मुखपत्र पर एक और खबर देखिए कि चाइना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है सीडीएस रावत के नाम से, क्योंकि वो मोदी के साथ में मिलकर चाइना को बहुत बुरी तरीके से आघात पहुंचा रहे हैं। गलवान इंसिडेंट के बाद के अंदर ये खबर है और वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो टफ मिलिट्री स्टांस है, यानी कि भारत की जो मिलिट्री को टफ की जा रही है, ये केवल और केवल भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर पर्दा डालने के लिए की जा रही है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर लेकर बैठा था चाइना, मगर फिर भी इंडिया के अंदर आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज ऐसा क्या नया हो रहा है कि वो किलोमीटर्स वापस लेने की बात चल रही है? चाइना तो बिल्कुल खुश नहीं है और वो ये कहता है कि ये इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश है। और वो इसी रिपोर्ट के अंदर जनरल बिपिन रावत को दोबारा से टारगेट करता है कि ये जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं चाइना के ऊपर, इसको यूज करने की बात की जा रही है। जनरल रावत ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री के बीच के अंदर आपस के अंदर जो टॉक्स है सक्सेसफुल नहीं होती तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, रोक सको तो रोकना। अब इस बात को लेकर चाइना का पांडा बहुत ज्यादा टेंशन में था कि क्या करें इस सीडीएस रावत का, इसके खिलाफ जहर पर जहर उगले जा रहा था इनका ऑफिशियल मुखपत्र। एक और खबर के बारे में आपको पता होगा, 2.5 वॉर फ्रंट के अंदर ही इस खबर को आप देखिए कि जनरल रावत ने कहा था कि अंदर से भी हमारे दुश्मन है जिनको भी हमें झेलना होगा अगर पाकिस्तान और चाइना का सलटारा करना है। तो देखिए ये तिब्बत का बॉर्डर है जिसको चाइना ने कब्जे में कर रखा है, और साथ ही के अंदर आपको यहां पे दिखाएगा ये चार धाम यात्रा वाली एक रोड है जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इंडिया का, और ये जो रोड है ये खास तौर से चाइना को कंटेन करने के लिए की जा रही है चौड़ी। भारत के अंदर से ही बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं गई थी कि इन रोडों को चौड़ा करने से एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। आर्मी साफ तौर पर कह देती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें ब्रह्मोस को डिप्लॉय करना है एलएसी के पास, ये बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि आज तक भारत साफ तौर से चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था जैसा कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था। चाइना चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ बोले, मगर चाइना ये नहीं चाहता कि चाइना को कोई थ्रेट माने, चाइना के खिलाफ किसी प्रकार का कोई काम हो या फिर भारत के अंदर कुछ भी ऐसा हो जिससे उसको नुकसान हो सके। और चाइना ने इस बात को रो रो के लिखा कि देखिए एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, ये चार धाम की रोड क्यों बना रहे हैं, और इंडियन मिलिट्री ये क्या कह रही है कि हमारे खिलाफ क्या करने की कोशिश कर रही है। देखिए आप इस बात को समझिए, ये एरिया चाइना ने कब्जा किया है और ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हाईवे, जहां से अगर चाइना का कंट्रोल हट जाता है तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो चार धाम जो रोड्स हैं, यहां से अगर डिप्लॉय हो जाती है मिसाइल्स तो यहां पर हो सकता है आक्रमण, सप्लाई रूट टूट सकता है। तो सीडीएस रावत चाइना के लिए आज तक का सबसे बुरा सपना है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी कोई राय लेनी होती है तो वो सीडीएस रावत से लेते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या आगे करना है, और ऐसी ऐसी बातें हो रही थी जो आज तक असंभव थी। चाइना चाहता है ताइवान के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर ले, और ये भी चाहता है कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना अपने कब्जे में ले ले और बाकी जो हिस्सा है वो भी चाइना के हिसाब से चले। अब यहां एक बहुत ही अजीब सी घटना हो जाती है जो ताइवान और इंडिया के साथ में एक सी होती है। ताइवान के आर्मी के चीफ हाल ही के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे। हालांकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये ब्लैक हॉक
अमेरिकन मेड है, और भारत के अंदर जो दुर्घटना हुई है वो एक रशियन हेलीकॉप्टर के साथ हुई है, मगर फिर भी देखा जाए दूर से अगर देखते हैं तो ये घटनाएं काफी कुछ एक सी है और इसका बेनिफिशियरी एक ही है। सीडीएस रावत का नाम हमेशा के लिए भारत के स्वर्णिम इतिहास के साथ में जुड़ गया है। हर सैनिक ये चाहता है कि वो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करे, और हर नागरिक हर उस सैनिक की इज्जत करता है। नमस्कार, धन्यवाद।